गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको ले चलता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, कैसा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये है हमारा एंट्री गेट। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो यूनिवर्सिटी की आन मान और शान को बहुत ही अच्छा दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पास में कोई हॉस्टल भी है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर जाते ही राइट हैंड पर मिलते हैं हमें सिक्योरिटी गार्ड, जो बिना आईडी कार्ड किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। अरे ये क्या, ये तो कुछ नया ही है, पता नहीं क्या है, आज ही लगा है, पर कुछ तो है ही, चलो देखते हैं। अच्छा, यू आर नॉट अलोन, वी आर विथ यू, टेक विथ यू नीड हैप्पीनेस इज, यू कैन राइट समथिंग हियर। बाद में जानने के बाद पता चला ये बनाया है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने। यहाँ पर ड्रग्स और रैगिंग बैन है। यहाँ पर है एक छोटा सा वाटर कूलर। ये क्या, ये भी एक नोटिस बोर्ड है जहाँ पर यूनिवर्सिटी की मीन्स की जो कैंपस के जैसे कि नोटिस बोर्ड पे जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस लगाई जाती है, टाइम टेबल वगैरह, वो यहाँ पर नहीं लगते, उसके लिए एक अलग नोटिस बोर्ड है। यहाँ पर जैसे कोई पोस्टर बनाए होते वो लगाए जाते हैं। इधर है लाइब्रेरी और क्लासरूम, कंप्यूटर लैब। ये है छोटा सा बीच का, कैंपस के बीच का ग्राउंड। जी आंटी पोछा लगा रही है, जो डेली सुबह पूरा यूनिवर्सिटी को क्लीन रखते हैं, जिसका हमारी यूनिवर्सिटी की और हमारे क्लास को स्वच्छ करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। डेली सुबह वो पूरा यूनिवर्सिटी को क्लीन करते हैं। ये है यूनिवर्सिटी का नोटिस बोर्ड। यहाँ पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, इधर प्रोफेसर बैठते हैं। अब मैं ले चलूँगा आपको हमारे क्लासरूम में, और भी कोई क्लासरूम है जो दिखाऊँगा। कि यहाँ पर कुछ सब्जी लगाई हुई है, लाइक ब्रिंजल, चिल्ली। तो ये है हमारा रीडिंग रूम, जो डेली कॉलेज टाइम के बाद रीडिंग करने के लिए होता है। रीडिंग रूम रात को 8 बजे तक ओपन रहता है और लाइब्रेरी शाम को 5 बजे तक। वैसे तो यहाँ और आप शाम को 8 बजे तक वाईफाई यूनिवर्सिटी के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये है हमारा सेमिनार हॉल, जो इस वक्त अभी बंद है क्योंकि मैं जल्दी सुबह 9 बजे से पहले ही आ जाता हूँ, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड बना रहा हूँ। और सेमिनार हॉल वैसे भी ओपन नहीं रहता, जब ज़रूरत होती है तब ओपन किया जाता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर मेरा क्लासरूम भी है। ड्रग्स नॉट अलाउड। तो ये है दोस्तों मेरा क्लासरूम 204। लेकिन मैं पहले और दिखाता हूँ, फिर बाद में हम आएंगे लास्ट में हमारे क्लास में। ये भी क्लासरूम, बताया ना मैं जल्दी आ जाता हूँ, तो फिर क्लास बंद होते हैं। अब सब बच्चे आते जाएंगे स्टूडेंट, और क्लासरूम अपने अपने ओपन करके अंदर बैठते जाएंगे। ये है एमए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का क्लास, जो भी अभी बंद है। ये ऊपर से यूनिवर्सिटी का लिया गया एक छोटा सा व्यू। ये थोड़ा सा कलर काम चालू है। यह एमए इंग्लिश का क्लासरूम। अब यहाँ से बाहर आते ही हम आते हैं हमारे क्लास में। तो ये है मेरा क्लासरूम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का।
ही है स्मार्ट बोर्ड। A few moments later, और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ यहाँ पर देखने के लिए, तो पता चलता है कि ये तो पूरा हैप्पीनेस का भर चुका था। सब ने कुछ ना कुछ लिख कर यहाँ पर चिपका दिए थे, और ये भैया भी कुछ लिख कर चिपका रहे थे अपने मन की बात। तो ये सारे मेरे क्लासमेट्स है, ये भी मेरा क्लासमेट्स बंदा, ये कुछ फोटो खींच रहे, कुछ पढ़ रहे, क्या है। और ये है मेरा क्लासमेट रत्नाकांत, दोनों ही वैसे तो मेरे क्लासमेट है, कुछ लिख कर चिपका रहे अपने दिल की बात। ओके, तो अब हम देखते हैं सबकी हैप्पीनेस, आखिर क्या सबकी हैप्पीनेस क्या है। यहाँ पर भी कुछ लिखा है, ये काल्या है छोटे भीम में जो आता है। ये है कोई यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने अपने ड्रीम लिखा है। ओके बाय।